नमस्कार, हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मनीष सारू है। मैं एक जनरल फिजिशियन एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ जो नोएडा सेक्टर 61 में प्रैक्टिस करता हूँ। आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं और लंग्स स्पेशलिस्ट, अस्थमा स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और उसका रीज़न भी हम लोग ही हैं, बिकॉज हम पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। इसके कारण जो डेवलपमेंट है वो हमारे पॉपुलेशन, कंट्री का पॉपुलेशन इतना हाई है, डेवलपमेंट करने के लिए हमें कटिंग उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग ये सब आना शुरू हो जाता है, प्लस एसी का यूज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्या करना चाहिए? डेफिनेटली सरकार भी अपने तरफ से सब कुछ कर रही है, वो हमारे अलर्ट मैसेजेस देती है, वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन मैसेजेस में भी हमारे पास अपने मोबाइल पे आ जाता है, इतने तारीख को इतने बजे आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज हीट वेव होने के चांसेस है, टेम्परेचर 49, 50, 51 पे टच कर रहा है। इतना बोलना चाहूँगा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट हीट वेव। जिस हिसाब से हम पेड़ काट रहे हैं और पेड़ नहीं लगा रहे, जिस हिसाब से हम एसी का यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये आप समझ लो कि हर साल ये बढ़ता ही चला जाए। समर्स विल बी हॉटर एंड हॉटर और इसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब हीट वेव है, हर किसी के पास ये उपाय नहीं होता कि वो घर में रहे, एसी कार में रहे, एसी ऑफिस में बैठे। हमारे इंडियन पॉपुलेशन, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन डेली काम करने वाली, जिनको सड़क पर बाहर निकलना ही नहीं, अब उनके लिए ये जीने और मरने वाली बात है, बिकॉज सन स्ट्रोक इज डेफिनेटली डेंजरस। अगर वो आपको होता है तो वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। पर जिनको निकलना है उनको क्या करना है? उनको डेफिनेटली हाइड्रेट करना चाहिए, जितना ज़्यादा वो हाइड्रेट कर सकते हैं उनको करना चाहिए। ना सिर्फ पानी से, उनको अपने पास थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स रखना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो आप ORS, जो सबसे सस्ता है, आप ORS का एक बोल बना के एक लीटर बॉटल अपने पास रख सकते हो। अगर आपको दोपहर में वहाँ से पीने चला के बीच में निकलना है तो आपके पास वो होना चाहिए, आप उसके सिप्स लेते रह सकते हो, बीच बीच में आप हाइड्रेट करते रह सकते हो। अगर आपके पास कोई कैप है या सर हो, बेसिकली हीट हमारे सर से इंटर करती है, तो कैप से कोई कपड़ा ही बांध लिया उससे आप अपने सर को ढक सकते हो। हाइड्रेशन, खाली पेट नहीं रहना। आप सुबह अच्छे से नाश्ता करके खाओगे, नाश्ते में सैलेड सलाद वगैरह खाओगे, जो दही से रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब खाओगे, तो पेट में जाकर ठंडा करके, जो हमारी दादी दादा और जो हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि ये चीज़ें पेट में जाकर ठंडा करके, डेफिनेटली उस करोगे आप, वो कर सकते हो। बीच बीच में आप पानी पियो, कहीं पर भी आपको अगर शेड मिलता है, अगर आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है तो आप शेड में चले जाओ, सुबह आपका बॉडी थोड़ा कूल हो जाए। अगर अवॉइड कर सकते हो, अगर सरकार की वार्निंग है इस टाइम में नहीं निकलना है, तो आप अपने सीनियर से बात करके उस टाइम में आप अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप, डेफिनेटली सबके पास वो ऑप्शन नहीं होता, तो अगर आपको निकलना है, आप अपना वर्क ऐसे प्लान कर सकते हो कि उस दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हीट पे होने के चांसेस होते हैं, इसको दूर रखना बोलते हैं, तो आप डेफिनेटली उस टाइम अपना काम डीप ऑन कर सकते हो। सुबह आप जल्दी काम शुरू कर सकते हो, रात को थोड़ा लेट, उस टाइम आप किसी छाँव में या ठंडी जगह पर रह सकते हो। अगर आपको हीट वेव हो गया, सन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, तो उस टाइम आप क्या करोगे? अगर आपने किसी को देखा कि वो बहुत पसीने पसीने, बहुत उसको गर्मी लग रही है, उसे घबराहट हो रही है, आप उसको तुरंत गर्म जगह से थोड़े शेड वाले जगह पे लेकर, जब आप उसके कपड़े वपड़े थोड़े ओपन करोगे, अगर उसके टाइट कपड़े पहन रखे तो वो उसके पास सर पर थोड़ा पानी डालोगे और किसी भी इमरजेंसी आसपास के हॉस्पिटल में उनको ले जाके उनका ट्रीटमेंट करवाओ, बिकॉज इसको इग्नोर नहीं करना है, ये जानने का ही हो सकता है। सो आपको अपना हेल्थ अपने हाथ में रखना है, काम होता रहेगा बट संभल के काम।